हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कुक डिलीशियस में। मैं सविता अवध्याल आपका स्वागत करती हूं। और आज की हम इस वीडियो में आटा गूंदना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लेंगे छलनी में और इसको अच्छे से छान लेंगे। आटा छानने के बाद हम इसमें एक थोड़ा गड्ढा बना लेंगे और इसमें पानी डालकर धीरे धीरे इसको मिलाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर गलती से पानी ज्यादा डल भी जाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप उसमें थोड़ा और आटा मिला लें। और इस तरह आप धीरे धीरे मिलाने के बाद इसको अच्छे से मलिए। आटे को हम जितना मलेंगे इसका रेशा उतना ही फूलेगा और रोटियां हमारी उतनी ही नरम बनेंगी। तो आटे को गूंथते समय हमें विशेषकर सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि आटा जो है हमारा एकदम सॉफ्ट गूंदे, उसका डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और इसके लिए हमें कम से कम 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से मलना होगा। और आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियो में छोटी छोटी चीजों की वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी चैनल पे बेसिक चीजें सिखाऊं। इसलिए आटा गूंदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आता उसके लिए ये लाभदायक है। आप देखिए, मैंने आटा अच्छे से मल दिया है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो आप भी आटा गूंदना सीख ही गए होंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तब।